बिहार से खबर, जहां पर जातिगत गणना के मामले में केंद्र सरकार ने सोमवार को हलफनामा दाखिल कर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई और इस हलफनामे के पैरा नंबर 5 में लिखा था कि केंद्र ही जनगणना या फिर जनगणना के समान कोई और प्रक्रिया करने का हकदार है। और इस हलफनामे में क्या कुछ बदलाव हुआ है और इसके क्या मायने हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। बिहार में जातिगत गणना को लेकर एक नया मोड़ आ गया है और केंद्र सरकार ने सोमवार को पहले एक हलफनामा दाखिल किया और कहा कि जातिगत जो गणना है या जनगणना है किसी और या उससे मिलती जुलती कोई भी चीज वो सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। कोई भी जनगणना या उस तरह की कोई गणना है वो सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है और कोई भी अथॉरिटी या राज्य इस तरह गणना नहीं कर सकता है। और इसके कुछ घंटे बाद केंद्र सरकार ने एक और एफिडेविट दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि जो पैरा 5 है जिसमें ये बात की गई थी पहले हलफनामे का, वो अनजाने में शामिल हो गया है और वो अपना ये जो कथन है उसको वापस लेते हैं और एक नया हलफनामा दाखिल कर दिया गया। काफ़ी विवाद इस बात पर हुआ केंद्र सरकार के पहले हलफनामे पर, खासतौर पर बिहार में, और उसके बाद केंद्र सरकार ने इसे ठीक कर दिया। जाहिर है ये मामला काफ़ी गंभीर है और एक अहम मोड़ पर है जहां पर अचानक पिछले हफ्ते केंद्र सरकार की एंट्री इस पूरे केस में हो गई थी। पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी PIL इसके खिलाफ और बिहार सरकार को जातिगत गणना करने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से इनकार कर दिया था जनगणना को, लेकिन कहा था कि वो आगे इस पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि डेटा सार्वजनिक करना है तो खासतौर पर जो निजी डेटा है वो सार्वजनिक करने में दिक्कत है, प्राइवेसी का मामला है। तो ये सुनवाई अभी चली रही थी कि केंद्र सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है वो अपीयर हुए और उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का वक्त उनको दिया था केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए, हालांकि इसका भी विरोध हो रहा था क्योंकि केंद्र सरकार उस समय तक पक्षकार या पार्टी नहीं थी इस केस में। और अब जब केंद्र सरकार ने सोमवार को पहला एफिडेविट दाखिल किया तो उस पर सवाल उठाए गए कि केंद्र सरकार किस तरीके से ये कह रही है कि कोई भी गणना, जनगणना हो चाहे किसी भी तरह की गणना हो, इसके आसपास की वो और कोई सरकार नहीं कर सकती। इस पर जब विवाद उठा तो केंद्र सरकार ने उस हलफनामे को वापस ले लिया और एक और हलफनामा दाखिल किया जिसमें सिर्फ जनगणना की बात की गई है कि किस तरीके से जो जनगणना कराने का काम है वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और ये उन्होंने बात कही। और ये भी कहा है तो SC ST OBC जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके कल्याण के लिए केंद्र सरकार बड़े कदम उठा रही है। छोटा सा ये एफिडेविट है लेकिन विवाद बहुत बड़ा हो गया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। और केंद्र के इस नए हलफनामे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है इसलिए बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है। राज्य में हम लोग कह रहे थे जाति आधारित गणना की बात हम लोगों ने कहा, जनगणना तो वो करते हैं, तो हम लोगों ने तो डिमांड किया था, सब पार्टी ने मिलकर के कहा था, वहां भी मिले, वो लोग एग्री नहीं किया, अपना करिए, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आप जान लीजिए जितनी पार्टियां हैं यहाँ सबको एकजुट होकर के किए हैं हम लोग, कर ही रहे हैं हम लोग, करीब करीब काम पूरा हो गया है और वो अब इसको एक एक चीज के बारे में उसको प्रकाशित करेंगे।